अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पावर अलर्ट न्यूज़ HD। आइए आपको आगाह करते हैं एक अहम खबर से। जाविया में हुर्मत कुरान रैली निकाली गई। जामे मस्जिद बिलाल से इंटरनेशनल खत्मे नबूवत मूवमेंट के वर्कर्स की रैली की क़यादत चौधरी मोहम्मद यार तिल्ला डिप्टी DEO तहसील शाहपुर और मुफ्ती सैयद इमरान शाह ने की, जबकि अंदरूनी शहर से अंजुमन ताजरान जमात इस्लामी TLP वर्कर्स ने रैली निकाली। रैली के तमाम शुरका खत्मे नबूवत चौक में जमा हुए, जहाँ राना मोहम्मद अबू बकर साबिक वाइस चेयरमैन ने कहा कि स्वीडन तोहीन कुरान की नापाक जसारत की शदीद मसम्मत करते हैं। हुकूमत पाकिस्तान स्वीडन हुकूमत को सबक सिखाने के लिए पाकिस्तान में सफारत खाना बंद करे। मुफ्ती सैयद इमरान शाह ने कहा कि आज 1.5 अरब की तादाद के बावजूद उम्मत मुस्लिमा मजबूर है, किस लिए रुए ज़मीन पर 1.5 अरब मुसलमान होते हुए शुआर इस्लाम की तोहीन होना हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है। 60 इस्लामी ममालिक के हुक्मरान आलम कुफर की इस्लाम के खिलाफ साजिशों को नाकाम बनाने के लिए मुत्तहिद हो जाएं। मौलाना मुदस्सिर महमूद अशरफी ने कहा कि यहूद नसारा ने साल ब साल से शुआर इस्लाम की तोहीन का सिलसिला शुरू कर रखा है। ये इजहार राय का मामला नहीं, कुरान पाक की अजमत का मामला है। आलम कुफर ने इस बार तोहीन कुरान के लिए वो बग चुरा है कि जब नाशर कुरान हज़रत उस्मान की शहादत और हज़रत इमाम हुसैन की करबला में कुरान पढ़ते हुए शहादत का वक्त है। आलम इस्लाम मुत्तहिद हो जाए। जमात इस्लामी के मलिक मोहम्मद बशीर आवान एडवोकेट ने कहा कि HB कुव्वत पाकिस्तान में अगर इस्लामी निज़ाम होता तो किसी काफिर की जुरत ना होती कि वो कुरान मजीद की तोहिन करता। हर पाकिस्तान अज़म करे कि वो वोट की पर्ची से इस्लामी निज़ाम रहने वालों को इक्तदार में लाएंगे। बाद हज़ां मौलाना मोहम्मद इब्राहिम और उस्मान अतीक ने भी खिताब किया। रिपोर्ट ज़फ़र अब्बास, तहसील रिपोर्टर शाहपुर जाविया।